हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। तो अभी यहाँ पे हम दोनों हैं और सच बताओ तो आज एकदम अजीब सा लग रहा था, इसलिए अभी तक वीडियो नहीं आया है। बाकी रंजना भी है यहाँ पे। हमको तो लगता है भाई वीडियो बनाना कितना टफ होता है। क्या हमको लगा कुछ लगा हुआ है, टूटा है, पता है क्या रंजना, वीडियो बनाना टफ होता है कि नहीं हम लोगों को, खास करके अकेले जो लेडीज कैमरा पकड़ के वीडियो बनाती हैं, अपनी सारी चीजों को दिखाती हैं, उनके लिए कितना टफ होता है वीडियो शूट करना। बस 10 मिनट में जब एक जगह रहो तो और भी। तो यही है, अभी आज बिल्कुल मन भी नहीं किया और अभी बहुत सारा सामान आया हुआ है, तो आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। हमारी एनिवर्सरी भी है 2 मार्च को, लेकिन अभी तक कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि एनिवर्सरी का क्या करना है। और मिस्टर राज वो भी अभी स्कूल चले गए हैं, अभी उनका भी मन नहीं था कि वो वीडियो शूट करे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया है कि समझ में नहीं आता है करे तो क्या करें। और हम जब रहते हैं, जब हम घर में रहते हैं, देख सकते हैं पहले हम यहाँ से वीडियो बना रहे थे, आज रंजना कुछ चेंज लग रही है। क्यों, सुंदर लग रहा है। इसको बहुत लोग बोलते हैं कि आई मेकअप करो, तो ये जब इसका आँख ना बहुत अलग दिखता है, अच्छा लगता है, चाइनीज लगती है, अच्छी लगती है इसका आँख, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा ना उठा उठा टाइप का है, दिखाना आँख बंद करो। आँख फूल जाता है मेरा कभी कभी ना। तो कल रात में क्या हुआ था, इतना लेट हम लोग सोए हुए थे और कल 1:30 बजे, कल ये 1:30 बजे किचन में गई, किचन वचन का सब काम वाम हो गया था ना, तो ये भी अभी जगी हुई थी और बाबू नीचे थे, वो भी कुछ काम वाम अपना कर रहे थे। उसके बाद से जैसे ही आए तो क्या हुआ कि खाना पीना हम ये हमको बोल रही है खाना खा लीजिए दीदी, आइए दीदी आइए, और हम ये हमारा स्टेटस देख के हमको मैसेज की थी कि क्यों उदास है। कभी कभी ना ऐसे ही अजीब सा लगता है। हेलो दी, कब तक आएंगे? हाँ, अभी हम इसको मैसेज किए थे कि डिनर क्यों तुम, किचन में खाना वैसे ही है। बड़ा वाला ग्लास हम जब देखे तो मिल नहीं रहा था। उसके बाद से रंजना हमको बोली, हम जब खाने चले गए हम बोले तुम खा लो, तब तक ये नहीं खाई हुई थी। जब हम उठे 2 बज रहा था उस टाइम, 1:00 कुछ मिनट हो रहा था, 2 बजने वाला था, तो उस टाइम उठे तो हम क्या किए, बोले कि खा लेते हैं। हम देख रहे हैं तो पराठा बनाई थी, तो सारा पराठा ऐसे ही है और सिर्फ चावल जो था उसको फ्राई की थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हम इधर बैठ के खा रहे थे, ये बाबू को उतना रात को अभी खाना दी थी, तो फिर क्या हुआ कि हम इसको बोले कि खाना खाइए, तो बोलती है बाहर जब आई तो हम बोले खाना खाइए, तो बोलती है कि नहीं खाया, हम बोले कि इसको तो उसी टाइम बोले खाने के लिए खाई भी नहीं है अभी तक, तो हम बोले कि चलो फिर खा लेते हैं, तो उस टाइम जाके फिर खाई। बहुत लेट हो गया था और जब लेट से सो ना तो सुबह में एक तो ऐसे ही तबीयत खराब सा लगता है सुबह में। अभी हम ऐसे लेटे हुए थे लेकिन देरी वो था और कुरियर वगैरह आ रहा था, OTP वगैरह, तो इसीलिए नहीं सो पाए। तो वैसे ही हमको मिस्टर राज बोलते हैं तुम बहुत सोती है, बहुत सोती है, वीडियोस नहीं बनाई। तो हम सच में वीडियोस तो आज बनाए ही नहीं है, ना ही रील्स बनाए हैं, ना ही सुबह में उठ के गुड मॉर्निंग तक भी नहीं किए हैं। नहीं तो आज तुमको नहीं लगा हम वीडियो नहीं शूट किए? हाँ, हम आपको बोलने वाले थे। आज हम किचन में भी गए रंजना से मिलने, तो वो भी शूट नहीं किए, हम बोले कि आज करेंगे ही नहीं वीडियो शूट, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और अभी भी इतना लेट हमारा जो कि दूसरा वीडियो आता है, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं किया। कभी कभी क्या होता है ना कि लगता है कि नहीं थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, इसीलिए लेट हो जाता है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी आप जल्दी से वीडियो डालो, जल्दी से वीडियो डालो, तो बहुत जल्दी आएगी हमारी ये वाली व्लॉग। बाकी मम्मी भी हैं, अब होली भी आने वाला है और आज फरवरी का लास्ट डे है, 29 फरवरी, और इसके बाद से मार्च स्टार्ट हो जाएगा। 1 मार्च है कल और 2 मार्च को हमारी एनिवर्सरी है। तो अभी तो
अभी देखते हैं ये 29 का जो महीना आता है ना, इसमें भी वो हमारी मौसी की लड़की का बर्थडे है जो कि उसका हर साल नहीं आता है, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी कौन है बाकी अभी तो बताए क्या गाइस, मार्च में हमारा 2 तारीख का एनिवर्सरी है, देखते हैं अभी क्या करना है। इसमें से शूट कर कर लो तो अभी हमारा जो ब्लॉग है वो रंजना शूट कर रही है, वीडियो नहीं शॉर्ट शूट कर रही है तो अच्छा है। अभी हम लोग घर में ब्रेकफास्ट बनने के बाद ना अभी ऐसे ही है, मिस्टर आज भी उठे तो वो ब्रश किए और उसके बाद से अपना रेडी वेडी होके अभी स्कूल के लिए निकल गए हैं। देखते हैं अभी कुछ खाए भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं खाए ऐसे ही। और हम अभी जस्ट नाश्ता किए, हाँ इतना लेट से हम लोग नाश्ता किए तो सब लोग मम्मी भी बोल रही थी इतना तुम लोग लेट से करते हो इसलिए हेल्थ खराब हो रहा है, तो भी जा रही है रंजना भी उधर। अभी हमारा थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बहुत चेंज सा लग रहा है, शादी में भैया की शादी है तो भैया की शादी में जाना है और उसके बाद से फिर आके अब समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो क्या करें, बहुत सारा बात है, बहुत सारी चीज़ें जिसको लेके चलना पड़ता है और कभी कभी ना समझ में भी नहीं आता है कि इंसान करे तो क्या करे, कौन सा काम करे जिससे सब कुछ सही रहे अच्छे से रहे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है। बाकी भी देख सकते हैं हमारा रूम पूरा भरा हुआ है, ऐसे जैसे लग रहा है कि दुकान खुलने वाले हैं हमारे रूम में। अभी लाइट ऑफ करके ये सन लाइट हमारे रूम के ना विंडो से आ रहा है इसीलिए यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो भैया की शादी है और हमने सोचा है कि इस बार ना लहंगा थोड़ा अलग कलर का पहनेंगे, ड्रेस अभी डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है क्योंकि जब क्या होता है ना कि हम लहंगा पहनते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं दीदी आप हमेशा लहंगा पहनते हो, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा देखते हैं कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा था कि रेडी टू वेयर साड़ी या फिर अलग ड्रेस पहनेंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम फिर से पहनने वाले हैं लहंगा और वो भी कुरियर हुआ था तो देखते हैं आया है कि नहीं। बाकी अभी चलते हैं देखते हैं मम्मी कहाँ पे हैं। तो अभी यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं और अभी बाबू को बोले फोटो खींचने के लिए, तो आज मम्मी भी एकदम मस्त हो गई है रेडी और अभी साड़ी वगैरह भी लेके आई है, तो दिखा दी आप साड़ी? साड़ी मम्मी दिखा चुकी है, वैसे हम सोच रहे थे कि दिखाएंगे लेकिन अभी मम्मी मार्केट वार्केट जाएंगे तो आजकल मम्मी भी बहुत सारा साड़ी खरीद रही है, इसका राज हम पूछेंगे। भाई मम्मी बहुत सारा वीडियो ऐसे बना रही है खुद से कमा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो पूछेंगे, वो आप लोग देखिएगा वैसे है ना। बाकी अब आज कुछ रेसिपी बनाने वाली थी ना मम्मी, लाइटर नहीं है इंतजार किस चीज का कर रही है, लाइट का कर रही है कि बिजली कौन भरेगा उसका कर रही है बिजली का पावर पैसा खत्म है तो देख रहा है कौन भर रहा सबको यार घर में अर्न करने वाला है कोई टीचर को लाइट चला रहा है सब घर में, अब बिल भरवाएगा सब नहीं तो होगा क्या, तो भरिए मम्मी बिल, हम क्यों भरेंगे रिचार्ज करने, पिछले बार हम ही किए थे, हम तुम लोग अपना घर में रखे हैं अभी लो भरे ऐसा ही में ए मकान उन लोग से मांगना जरूरी है ना। गाइस अभी बिजली का रिचार्ज करना है इसलिए लाइट कट गया है, रिचार्ज नहीं है। क्या रहना क्या बोल रही थी, बोल रही इलेक्ट्रिक सिस्टम ये जो चल गया बहुत खराब है पहले अगर नहीं अगर रिचार्ज हो तो एकदम पहले थोड़ा अलग था, पहले पहले ही सही था नहीं वही गलत था, अभी हम लोग के घर की साइड अलग ही लाख हो जाता था तो कट काटते आता था सब पुलिस वुलिस लेके, अभी हम लोग के यहाँ यही है रिचार्ज वाला ऑप्शन नहीं दिया है अभी नहीं तो। ए गाइस तो अभी देखते हैं लाइट आया नहीं है और कैसे, अभी मम्मी रेसिपी बनाने वाली थी इसलिए भी लंच भी नहीं बनाया, देखते हैं क्या बनेगा क्योंकि मिस्टर राज भी आएंगे तो पता नहीं, अभी तो कुछ खा के नहीं गया लेकिन आएंगे देखते हैं क्या खाएंगे। इसी के साथ रहने दें इस ब्लॉग को यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय, लव यू।